हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम है अजय और फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे आईफोन की टच आईडी के बारे में। ठीक है, जो हमारा टच आईडी फिंगरप्रिंट होता है उसके बारे में आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। तो जहां फ्रेंड आईफोन 5S से लेकर हर आईफोन में फिंगरप्रिंट दिया हुआ है, तो फ्रेंड मैं आपको बताऊँगा अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आती है तो आपको उसको कैसे ठीक करना है। ठीक है, और क्या दिक्कत है जिससे ये ठीक नहीं होगी, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या प्रॉब्लम है जिससे आप ठीक भी कर सकते हो और नहीं भी ठीक कर सकते हो। ठीक है, मैं दोनों बताता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आईफोन 6 में और 5S में, आपने 6 में देखा होगा कि जो हमारी टच आईडी होती है, फिंगरप्रिंट आईडी जो होती है जिसे हम टच करते हैं, उस पर एक पीछे सीट होती है, इस तरह की सीट होती है। तो यही हमारी सीट है जो फिंगरप्रिंट को हमारे अटैच करती है, मतलब टच आईडी से कनेक्ट होती है। अगर बाई चांस फ्रेंड अगर ये सीट में कोई दिक्कत आ जाए, जैसे कि सीट का कनेक्टर होता है वो कनेक्टर कट गया है, टूट गया, ऊपर से वाला कनेक्टर टूट गया है, तो हमारी फिंगरप्रिंट जो होती है इसके पीछे ना फ्रेंड इसकी पत्ती, ये पूरी सीट लगी होती है, आगे पीछे का पूरा पत्ता होता है, देखिए इस तरह का पत्ता है। तो ये हमारा होम बटन है, यहाँ पे ये टच आईडी का पत्ता, तो इसके फ्रेंड तो कनेक्टर इसमें टच होता है, तो ये टच होता है। तो ये भाई सीट है ना फ्रेंड, ये सीट इसमें जो करंट मिलता है सीट से वो हमारी इस फिंगरप्रिंट होम बटन में आता है। ठीक है, अगर फ्रेंड होम बटन सही है तो तो हो सकता है कि सीट ख़राब हो। ठीक है, सीट की अगर ख़राब होगी तो हमारी फिंगरप्रिंट आईडी नहीं चलेगी। अगर बाई चांस कभी आपसे गलती से पत्ता कट गया टूट गया या कुछ भी हो, या पानी से ख़राब हो गया हो, तो फिर भी फिंगरप्रिंट नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको सीट एक बार, जब फिंगरप्रिंट ना चले तो आप एक बार ये सीट चेंज करके देख लेना, ये सीट चेंज कर लोगे तो आपको फिंगरप्रिंट वर्क करने लगेगी। ठीक है, होम बटन चलेगा लेकिन फिंगरप्रिंट वर्क नहीं करेगी, तो ये दिक्कत भी हो सकती है। देखिए, अब 6S थी और 6S है, ये 6 प्लस है, तो 6 प्लस और 6 में फ्रेंड सेम ही है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये 6 प्लस की जो सीट है इसकी, देखिए कनेक्टर यहाँ पे पत्ता ये कटा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ से पत्ता ना कटा हुआ है, अगर बाई चांस कभी आपसे निकालते वक्त पत्ता कट जाता है तो आप घबराइए मत, आप कोई दूसरी सीट ले लीजिए मार्केट से ले लीजिए, आप इसको लगा लीजिए तो हमारा होम बटन या वर्क करने लग जाएगी। ठीक है, टच आईडी हमारी वर्क करेगी, तो फिर इससे घबराना मत, आप इसको ठीक कर सकते हो। जो हमारा होम बटन है, अगर इसका पत्ता कट जाता है होम बटन का, तो फिर ख़राब है, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर होम बटन हमारा वर्किंग है और टच आईडी नहीं चल रही है, तो इसका मतलब हमारी सीट का पत्ता जो है ये ख़राब हो गई है, तो इसलिए हम उसकी सीट को लगा देंगे तो हमारा ये वर्क करने लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 6T और 6 प्लस है, दोनों फ्रेंड एक जैसा ही सिस्टम है। अब इन दोनों को अगर रिप्लेस कर दोगे तो ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए ये 5S का है, तो 5S के जो फ्रेंड फिंगरप्रिंट होता है, ये कनेक्टर होती है सीट, ये पूरी ये पत्ता आता है, ये कनेक्टर पूरा अटैच होगा जब तक हमारा फिंगरप्रिंट वर्क करता है। देखिए ये कनेक्टर लगा हुआ है, ये पूरी जो पत्ती जा रही है ये हमारी 5S की कनेक्टर का होता है। ठीक है, अगर ये पत्ता कट गया तो ये हमारा टच वर्किंग नहीं करेगा। ठीक है, फिंगरप्रिंट तो हमारा ये 5S का है, उसकी सीट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन 5S में ये होम बटन ही होता है जो हमारी टच आईडी होती है। ठीक है, अगर आप रिप्लेस कर दोगे तो हमारी टच आईडी वर्क नहीं करेगी, और 6 में इस तरह की होती है। ठीक है, तो फ्रेंड 5S में तो आप होम बटन चेंज करोगे, लेकिन 6 में क्या होगा, सीट होती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड ये है 6S प्लस, तो इनमें सीट में कनेक्टर नहीं होता है, इनकी जो कनेक्टर होता है फ्रेंड ये भी 6 की तरह ही है, लेकिन इसके जो कनेक्टर है वो डिस्प्ले में लगा हुआ है, देखिए आपको दिखाता हूँ। तो देखिए डिस्प्ले में लगा हुआ है 6S और 6S प्लस का जो होम बटन टच आईडी कनेक्टर होता है वो नीचे, देखिए यहाँ से आ रहा है 6, इसमें कोई सीट नहीं है, डिस्प्ले में ही असेंबल होता है। आप नया डिस्प्ले लाओगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगी। अगर फ्रेंड अगर फिंगरप्रिंट नहीं चलता है तो आपको ये जो पीछे का रिफ्लेक्टर होता है यही आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, रिफ्लेक्टर मतलब पीछे की डिस्प्ले की बैक सीट होती है, ये आपको चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा फिंगरप्रिंट वर्क करेगा, या तो फिर आपको डिस्प्ले ही चेंज करनी पड़ेगी तब जाके हमारा फिंगरप्रिंट चलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए इस तरह से इसमें होम बटन ही अटैच होता है, तब जाके हमारा टच आईडी फिंगरप्रिंट वर्क करता है। ठीक है, तो देखा आपने फ्रेंड, मैं आपको समझाया इसमें कि वो फ्रेंड कि अगर कभी टच आईडी का इशू आता है फिंगरप्रिंट वर्क ना करने का, तो आप इन सीट को चेंज कर दीजिए, सीट को चेक कर लीजिए कहीं सीट ना ख़राब हो, इसकी वजह से भी दिक्कत आ सकती है। तो फिर मैंने आपको आज दो इशू बता दिए टच आईडी का, अगर ठीक करने का और ना ठीक करने का। ठीक है, तो देखिए अगर दिक्कत ठीक हो जाती है तो इनका इशू होगा, ये दो ख़राब हो सकती हैं, अगर ये दोनों सही हैं तो फिर नहीं ठीक हो सकती, या तो फिर अगर होम बटन का पत्ता ख़राब होगा तो भी नहीं ठीक हो सकती। ठीक है, तो फ्रेंड आज का मेरा वीडियो यही था कि मैं आपको होम बटन टच आईडी कुछ बताऊं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, थैंक यू।